अरे पुलिस ने तुम्हारा गाड़ी का नंबर देखी है और ढूंढ रहा है तेरे को। अरे वो ढूंढ लेगा तू कब तक चुपेगा भाई? आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर लूंगा, बस अल्लाह के वास्ते मुझे मारना मत भाई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, वो यतीम हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे भाई। उरूज की जिंदगी में ट्रेजेडी हो गई थी ना, इसीलिए, वरना वो भी दूसरी लड़कियों की तरह। सच बात तो यही है, मैं भी ये चाहती हूँ कि उरूज भी नॉर्मल हो जाए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि तो पढ़ाई में तो बहुत ही लाइक है। देखो भाई हम लोग बहुत मजबूर है, हमारा दोस्त ना कत्ल के केस में फंस गया है, एक लड़की तुम्हारा गाड़ी में बैठ के गया, उसका कत्ल हो गया, तुमको तो सारा कहानी पता है। भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इसमें शामिल नहीं करो यार, खुदा को मानो। अरे शामिल कैसे नहीं करें, तू ही तो एक अकेला गवाह है इस कत्ल का। वो भाई मैं नहीं हूँ गवाह, मुझे गवाह मत बनाओ। हम मरना नहीं चाहते है, लेकिन ऐसे हम जी भी नहीं सकता है। अम्मा हिम्मत करो, हिम्मत किसी को बोलो, अदालत जाओ तो कुछ बनेगा, हो सकता है हम गरीबों के लिए भी कोई कानून होएगा। वैसे वो उसमें इंटरेस्टेड है और मैंने तुम्हें बताया था, उस दिन पूछ रही थी उसका। बेवकूफ मत बनाओ मुझे, सब पता है। वो जो उसके अब्बा की बीवी है ना, नई नवेली दुल्हन, वो अपने मियाँ पे इम्प्रेशन डाल रही होंगी। तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखती हूँ मैं, और देखना कुछ अरसे बाद ना यही उनकी शिकायतें लगा कर उसको बेइज्जत करवाया करेंगी। सर वो सर जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात? और हाँ ये बताओ कि उस लड़की को तुमने कहाँ से उठाया था? सर वो लियाली के स्टॉप से बैठी थी सर। और फिर उसको कहाँ छोड़ा तुमने? सर वो रास्ते में ना सर उसको कॉल आई। ये तुम्हारा बच्चा लोग पढ़ने के वास्ते आता है या फिर ये जासूसी करता है? अम्मा बच्चा लोग हैं, गली में खेलता है, आते जाते लोगों को देखता है तो पता चलता है। हमको एक बात समझ नहीं आता है कि ये उसका बाई से मिलने क्यों आते हैं? सियाने लोग बोलते हैं जब आदमी का मौत करीब आता है ना तो उसको ऐसे ख्याल आते हैं, उसका माँ बाप को अब में आता है जो अगर मर गया हो तो। तुम ऐसा क्यों बोलता है? अल्लाह तुमको लंबी उम्र दे, हमको तुम्हारा जरूरत है, तुम ऐसा ना बोलो दिलावर के अब्बा। देखो साहब हम भी तुमको बता रहा हूँ, ये एहसान तुमने हम पर नहीं खुद पे किया है। अगर हमको अंदर करवाने का शौक है ना तो अभी बोलो, हम जाके थाना में सब बोल देता हूँ। तू समझा नहीं नादिर भाई, यार ये ब्लैकमेलिंग छोड़ दो गाड़ी वाली। ये तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया नादिर भाई, ये हम दोनों के हक के लिए बहुत बेहतर है। अब फैसल फंसेगा और वो आलिया जमाल भी। आलिया जमाल? अच्छा अच्छा, अरे वो मैडम, अरे उसको क्यों फंसा रहा है? क्योंकि उसने हमको फंसा लिया है नादिर भाई। ये फंसना फंसाना सिर्फ कोर्ट कचहरी और थाना नहीं होता, कभी कभी कोई अपने हुस्न के जाल में भी फंसा लेता है, और मुझे लगता है कि वो मैडम इस काम में बहुत माहिर है। अब समझा कि तेरा दिल आ गया उस पे। अरे हमको तो लगता है कि उसका दिल पैसल पे भी आया हुआ है। अरे जब ही तो उसका घर गया था और उसको चुड़ाने भी आया था। नहीं उसकी एक और वजह भी है, क्योंकि आलिया जमाल का एक क्लब है, बॉक्सिंग क्लब। मुझे लगता है कि पैसल उस बॉक्सिंग क्लब में बॉक्सिंग करता है। अरे इतना तो हमको नहीं मालूम, पर ऐसा लगता है कि कोई चक्कर जरूर है। ऐसे लोगों को तो वो मुंह भी ना लगाए। अच्छा फिर अब क्या होएगा, और वो हमारा गाड़ी का क्या हुआ? यार नादिर भाई ये बार बार गाड़ी का मत कहा करो, मैंने तुम्हें अंदर होने से बचाया, इसको मेरा एहसान समझो। देखो साहब हम भी तुमको बता रहा हूं, ये एहसान तुमने हम पर नहीं खुद पे किया है। अगर हमको अंदर करवाने का शौक है ना तो अभी बोलो, हम जाके थाना में सब बोल देता हूँ। समझा नहीं नादिर भाई, यार ये ब्लैकमेलिंग छोड़ दो गाड़ी वाली। देख साहब हम तुम्हारा काम किया हूँ, और ये भी याद रखे कि तुम्हारा कहने पे किया हूँ, वरना हमारा क्या दुश्मनी था उस लड़की से। अच्छा
ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, उसके लिए तुझे गाड़ी मिल जाएगी, मगर नई गाड़ी नहीं। अच्छा चल ठीक है, सही, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। इस काम के बाद भी लियारी में मेरा जो भी काम होगा वो तुम करोगे। अरे तुम भाई है अपना, अरे तुम जब बोलेगा हम करेगा, लेकिन इसके लिए हमारा भी एक शर्त है। अरे वो अपना लियारी में दो तीन लड़का लोग पढ़ लिख गए हैं, हर काम में टांग अड़ाता रहता है, फिर तुमको भी हमारा साथ देना होगा। देखो नादिर भाई, जब मैं तुम्हें कोई काम बोलूंगा तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो। लेकिन एक बात याद रखना, आलिया जब भी यहाँ कोई काम शुरू करती है, ये जो फलाही इदारा वगैरह बनाती है, तो हम भी वही काम करें ताकि हमारा उसके साथ आना जाना लगा रहे। अरे वो तो उस लड़का लोग के साथ करेगा ना, या वो उस डॉक्टरनी के साथ? वो लड़कों के साथ करेगी तो अच्छा है ना, अगर भाई तुम भी तो डॉक्टरनी से मिलते रहोगे। ये बोला ना, सही बात, परफेक्ट, क्या बात है सेठ। सेठ चाय तो पिलाओ। जबार, कोई नहीं, हमको आप में डर गया था। हम पानी लाता, तुम्हारे लिए पानी लाता। है मेरा मालिक, हमको माफ कर दे। ये लो पानी, आज तल कुर्सी पढ़ के सोया करो। बड़े बहुत डरावना ख्वाब था, ऐसा ख्वाब हमने कभी नहीं देखा। अरे ख्वाब तो ख्वाब होता है, उसकी कोई हकीकत नहीं होती है। अरे तुमको पता है हमने क्या देखा? हमारा बाप किश्ती खींच रहा है गहरे पानी में, किश्ती डूब रहा है। हमारा बाप बोल रहा है आने दो आने दो, फिक्र नहीं करो, हमारा किश्ती डूब रहा है। हम डूब जाता है, हमारा दम घुटने लगा। अल्लाह का शुक्र है हमारा आँख खुल गया, वरना हार्ट अटैक आ जाता। तुमको क्या हो गया, आजकल मरने की बातें करता है, जैसा सोचता है ना वैसे ख्वाब आता है। ये बात तुम सही बोल रहे हो, अब कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है। अब क्या करें, खुद ही खुद ख्याल आता है। सियाने लोग बोलते हैं जब आदमी का मौत करीब आता है ना तो उसको ऐसे ख्याल आते हैं, उसका माँ बाप को अब में आता है जो अगर मर गया हो तो। तुम ऐसा क्यों बोलता है, अल्लाह तुमको लंबी उम्र दे, हमको तुम्हारा जरूरत है। तुम ऐसा ना बोलो दिलावर के अब्बा। अरे अंदर से हमको यकीन हो गया दिलावर का माँ, बस तुम हमारे लिए कुल कलमा पढ़ता रहना, कहते हैं उससे मुर्दे को फायदा होता है। कैसी बातें करते है, हमको तुम्हारी जरूरत है। अल्लाह तेरा साया हमारे सर पे कायम रखे, अल्लाह तेरे को लंबी उम्र देवे। अरे हम भी ये नहीं चाहता हूँ, लेकिन ख्याल आता है खुद ब खुद। अच्छा तुम सो जाओ, परेशान नहीं हो। हम अब क्या खाक सोएगा, हमारा दिमाग तो तुम्हारी बातों में लगा रहेगा। अरे कुछ नहीं होगा हमको तुम्हारी दुआ से, बस दुआ करो हमारा लिए। सो जाओ। अरे तुमको अब्बा को समझाना था ना कि ये सारा ख्वाब सच्चा थोड़ी होता है। अरे हम अब्बा को क्या समझावे, फिर भी हमने उसको बोला कि परेशान मत हो, पर सच पूछो तो हम भी बहुत परेशान हो गया है। फिर लाश घर के करीब से क्यों मिली? कोई इतना बेवकूफ होएगा कि कत्ल करने के बाद लाश को अपना घर का पास रखे ताकि शक उस पर ही जावे? हा? बात तो ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये कोई साजिश है? समझते नहीं है हम, हकीकत यही है।
आप लोगों की परेशानी बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। एक्चुअली मैंने वकील को बुलाया है फोन करके, वो अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। मैडम वो टैक्सी वाला फैसल के खिलाफ ही गवाही दे गया, साफ साफ झूठ बोल रहा था। आपको सब पहले से पता है, इसका मतलब कि आप काफी कुछ अच्छी तरह जानते हैं। जी बहुत अच्छी तरह। दरअसल मैं आपसे मिलना चाह रही थी। जरूर मिले, मैं कैसे रोक सकता हूँ आपको। क्या हुआ अब्बा? कुछ नहीं। अरे अम्मा क्या हुआ है, तुम दोनों को इतना परेशान क्यों है? सब खैरियत तो है? तुम्हारे अब्बा को बुरे बुरे ख्वाब आ रहे, हमको बड़ी परेशानी है, तुम समझाओ ना। अम्मा क्या कह रहा है? हाँ सही कह रहा है, हमको लगता है कि हमारा टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, हम जल्दी मर जाऊंगा। अब्बा तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है तो हमको बताओ, हम डॉक्टर के पास लेके जाएगा, वो दवा देगा तो ठीक हो जाएगा। तुम कैसी बातें कर रहा है? अरे हमको कोई तकलीफ मकलीफ नहीं है, बस हमको लगता है ऐसा। अरे तुम हमारा गले लगो यार, जरा यार। ऐसा बातें नहीं करो अब्बा, कुछ नहीं होएगा, नहीं होएगा। अब्बा तुम फिक्र ना करो, फिक्र ना करो तुम अब्बा। राजा कह रही है ना सब। अरे चलो यार जल्दी, हम कब से इंतजार कर रहे, तुम कहाँ रह गया था? अरे हम तुमको क्या बतावे, सुबह सुबह अब्बा ने सबको परेशान करके रख दिया। अरे क्या हुआ अब्बा को? अब्बा ने रात को कोई काब देखा, उसको लगा कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है। अरे अम्मा ने भी रो रो के बुरा हाल कर रखा है। अरे तुमको अब्बा को समझाना था ना कि ये सारा ख्वाब सच्चा थोड़ी होता है। अरे हम अब्बा को क्या समझावे, फिर भी हमने उसको बोला कि परेशान मत हो, पर सच पूछो तो हम भी बहुत परेशान हो गया है। अभी चलो यार। अरे अल्लाह सब खैर करेगा, अभी चलते मैडम के पास, लेट हो रही है, पकड़ो कहना मत। जी जी मैंने बुलाया है उन लोगों को, बस वो लोग थोड़ी देर में आते ही होंगे, आप कोशिश करें कि उन्हीं के टाइम पर आ जाएं। आइए, ठीक है मैं आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी। क्या बताएं मैडम, हमारा तो नींद ही उड़ गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होएगा, कब होएगा, कैसे होएगा। मैं आप लोगों की परेशानी बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। एक्चुअली मैंने वकील को बुलाया है फोन करके, वो अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। मैडम वो टैक्सी वाला फैसल के खिलाफ ही गवाही दे गया, साफ साफ झूठ बोल रहा था। पहले तो हमको डराता रहा कि हमको इस केस से दूर रखो, फिर पता नहीं खुद थाने में जाके बोल दिया कि फैसल ने ही उस लड़की को उठाया था। अरे लेकिन ऐसा कौन करता है कि घर से पहले ले जाके मारे और फिर वापस वहीं लाके लाश फेंक दें, इतनी अक्ल तो सब में होती है ना। अरे यही तो पुलिस वाला सुनता ही नहीं हमारा। अच्छा उसका भाई कौन है, हम उससे बात कर लेते हैं, देखते हैं वो चाहता क्या है, बजाय इसके कि कोर्ट के इतने लंबे चक्कर काटे, उससे बात करके देखते हैं। बात तो आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमको लगता है वो मानेगा नहीं। देखिए आप लोगों ने जिस तरह बात की होगी, हो सकता है वो ऐसे ना माने, एक दफा मुझे तो बात करने दें, मैं अपने तरीके से बात करके देखती हूँ, मान जाएगा वो। आप मुझे नंबर दें उसका, नंबर बताएं। जीरो थ्री फोर फाइव
ठीक है, मैं इससे बात करती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ मैडम बात करेगा तो वो मान जाएगा, अल्लाह करे। मैडम अब हम लोग चलता है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आते आप फैसल के क्या लगते हैं? दादा और आप कौन है? हम टीवी चैनल से, हम अपने नाजरीन को ये दिखाना चाहते हैं कि कातिल के घर वालों के क्या तासुरात हैं, और क्या फैसल ने इससे पहले भी इस तरह का कोई बड़ा जुर्म किया था? नहीं, पहले नहीं किया और ना अब किया। अब नहीं किया मतलब आप कह रहे हैं कि फैसल ने कत्ल नहीं किया, तो फिर वो लड़की आपके घर में क्या कर रही थी? कोई किसी का घर में कत्ल होने के लिए नहीं रहता है। मेरा मतलब कि फिर लाश घर के करीब से क्यों मिली? कोई इतना बेवकूफ होएगा कि कत्ल करने के बाद लाश को अपना घर का पास रखे ताकि शक उस पर ही जावे? बात तो ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये कोई साजिश है? समझता नहीं है हम, हकीकत यही है। तो आप किससे अपील करना चाहेंगे? दुनिया का ताकतवर लोग अपील भी ताकतवर की सुनते हैं। हमने अपना अपील अल्लाह का दरबार में किया है, वो हमारा अपील सुनेगा और हमको इंसाफ देगा। हमारा फैसल कसूरवार नहीं है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अगर वाकई आपके बेटे ने कत्ल नहीं किया और ये इल्जाम है, तो हम आला हुकाम से दरख्वास्त करते हैं कि इस पर तहकीकात करें और इन्हें इंसाफ दें। तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आलिया जमाल बात कर रही हूँ। जी मैं पहचान गया हूँ। आप जानते हैं मुझे? आप याद नहीं रखती तो इसका क्या मतलब है, हम भी भूल जाएं? नहीं नहीं आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली वाकई आपको नहीं जानती। तो फिर फ़ोन कैसे किया आपने? आपकी बहन का लियारी में कत्ल हुआ है। आप शायद फैसल के लिए परेशान हैं। आपको सब पहले से पता है, इसका मतलब कि आप काफ़ी कुछ अच्छी तरह जानते हैं। जी बहुत अच्छी तरीके से। दरअसल मैं आपसे मिलना चाह रही थी। ज़रूर मिले, मैं कैसे रोक सकता हूँ आपको? आपके पास जब भी थोड़ा फ्री टाइम हो आप मेरे पास ऑफिस आ सकते हैं मिलने के लिए, या अगर आप नहीं भी आते तो मुझे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल मेरे फादर जो है वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, तो इस वक्त मेरे पास ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं भी निकलना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे कोई एतराज़ नहीं आपके ऑफिस आने में, मैं आ सकता हूँ। ठीक है ठीक है, थैंक यू, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, बस जितना जल्दी हो सके प्लीज़ आइएगा। ठीक है आलिया साहब, मेरी एक मीटिंग है वो मैं अटेंड करके आपके पास आता हूँ। थैंक यू जी। अरे तुम परेशान नहीं हो, अरे ये जिंदगी है, इसमें इल्जाम भी लगते हैं। अरे हम तो नहीं लिखता है तकदीर कि तकदीर में सारा अच्छा अच्छा लिख देवे, अब तकदीर में बुरा भी होता है कभी कभी, लेकिन फिर तकदीर में अच्छा वक्त भी आता है। हाँ कलमंदी तो इसी में, वरना केस लड़ेगी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और जमानत में भी टाइम लगेगा, और ऐसा भी तो हो सकता है कि फैसल को इसके बाद सजा हो जाए।
अरे इसीलिए वो कोशिश कर रही है कि सुलह हो जाए और जान छूट जाए। डैडी ने निकाह किया है उनसे, तो वो अब मेरी मामा ही हुई ना। हाँ शॉपिंग करवा रही हैं तो मामा कहने में तो कोई हर्ज नहीं है, मैं इसलिए मामा नहीं बोल रही। चलो जिस लिए भी बोल रही हो, लेकिन तुम ये सब पहन कर आखिर जाओगी कहाँ? अरे तुम दादा बहुत शर्मिंदा है। अरे तुमको हमारा वजह से ताने आना पड़ा है, हमको हमको माफ कर दियो। देख बच्चा, हम तेरे पास ज्यादा नहीं आता है, हमको पता है तू परेशान होता है। अरे तुम परेशान नहीं हो, अरे ये जिंदगी है, इसमें इल्जाम भी लगते हैं। अरे हम तो नहीं लिखता है तकदीर कि तकदीर में सारा अच्छा अच्छा लिख देवे, अब तकदीर में बुरा भी होता है कभी कभी, लेकिन फिर तकदीर में अच्छा वक्त भी आता है। हाँ अम्मा कैसे? अरे ठीक है, परेशान रहता है, माँ का दिल है, हमारी बात को क्या समझेगा वो, हमारे दिलासों को क्या समझेगा, कुछ नहीं। अरे दादा तुम अम्मा को संभालो ना, शाहिद और दिलावर मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, हम आ जाऊंगा बाहर। अरे फैसल फिकर नहीं कर, सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, हम जाता है फैसल। हाँ तुम जाओ, इससे पहले वो आएगा। फिकर नहीं करना, हमें हाँ इधर है अम्मा। अरे भाई ये पानी, ये क्या बना, क्या बोला मैडम? अरे उम्मीद का किरण तो नजर आया है, लेकिन देखो वो क्या करता है। उसने अभी तक बात ही नहीं किया है। किससे? तांजे के भाई से। अच्छा उससे बात करेगा। कल मंदी तो इसी में, वरना केस लड़ेगी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और फिर कब जमाना। तो और ऐसा भी तो हो सकता है कि फैसल को इसके बाद सजा हो जाए। अरे इसीलिए वो कोशिश कर रही है कि सुलह हो जाए और जान छूट जाए। सुलह हो जाएगी ना तो जल्दी जान छूट जाएगी। आप अल्लाह करे जल्दी ऐसा। अब वैसे वो उसको कब बुलाएगा और वो उसकी बात मानेगा भी या नहीं? लगता तो है लोग पैसों वालों का बात कम ही डालता है। आप ऐसा तो है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। बस नौशिंगो हमको थोड़ा चाय बना दो ना, दूर सफर करके जाओ तो सारा ऐसा पढ़ने को आ जाता है। भाई एक बात बोले। हाँ हम क्या मिल सकते हैं उससे? किससे? फैसल से। हाँ थाने में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, हम इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देगा। अरे दुआ करो बस जल्दी रिहा हो जाए वो। वो तो हम दिन रात करता है। बस फिर आ जाएगा फैसल। नौशीन हमारा सर में दर्द हो रहा है, तो तुम चाय माय बना दो हमारे लिए। बना।
उरुज शॉपिंग पे गई थी क्या? भाई दिखाती तो के क्या खरीद के लाई हो, हमें भी तो पता चले कि आजकल क्या फैशन चल रहा है। आपको तो पता है ना सारा फैशन, आप सिर्फ मेरा मजाक उड़ाती रहती है। भाई भाई क्यों मजाक उड़ाने लग गई तुम्हारा, मैं तो सच में पूछ रही हूँ। आप जानती हैं ना मुझे शॉपिंग करने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि तुम्हें शॉपिंग का कोई ख़ास शौक भी नहीं है और फिर भी तुम ख़रीदारी करने चली गई, तो आखिर पता तो चले कि क्या खरीद के लाई हो। वो मामा की पसंद से कुछ चीज़ें ले ली। मामा? तुम्हारी मामा की तो डेथ हो गई है ना? हो आई सी, शॉपिंग वाली मामा। डैडी ने निकाह किया है उनसे, तो वो अब मेरी मामा ही हुई ना। हाँ शॉपिंग करवा रही हैं तो मामा कहने में तो कोई हर्ज नहीं है। मैं इसलिए मामा नहीं बोल रही। चलो जिस लिए भी बोल रही हो, लेकिन तुम ये सब पहन कर आखिर जाओगी कहाँ? ये तो अभी मैंने सोचा नहीं, पर मामा को अच्छा लगा तो हमने ले लिया। तो मामा को ये भी तो पूछती कि आखिर ये सब पहन कर कहाँ जाओगी, तुम्हारा तो कोई सोशल सर्कल नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है, और जहाँ तक तुमने हमें बताया है तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, या है? अगर है तो बता दो, ये भी आजकल फैशन ही चल रहा है। आप ना मुझ पर बहुत तंज करने लगी हैं, अगर कोई वजह है तो बता दें, मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है तुम पर तंज करने की? 6 महीने में एक बार तो तुम शॉपिंग पर चली गई हो, और तुम्हें लगता है कि इस बात पर मैं तुमसे जलस होंगी या तुम पर तंज करूँगी? खुशफहमी है तुम्हारी। मैं तो आपसे मुकाबला कर ही नहीं रही, आप ही ये सब बता रही हैं मुझे। सब समझती हूँ मैं, मुकाबला नहीं कर रही, हर वक्त तो आगे पीछे घूमती रहती हो, बच्ची समझ के रखा है मुझे, छोटी बच्ची समझा हुआ है। सब समझती हूँ तुम्हारी, सब हरकतें जानती हूँ। मम्मा ने शॉपिंग करवाई है। ऐसा कभी कुछ कर नहीं सकता, और इतना बड़ा कदम उठाने के लिए उसके पास कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। वजह है लेकिन शायद आपको बताई नहीं गई। क्या वजह है? वजह यह है कि फैसल शांजे से शादी करना चाहता था और उसे बहुत फोर्स कर रहा था, लेकिन शांजे अपने मंगेतर के पास जाना चाहती। वो बस रिदा ने आकर मुझे बहुत बहुत बुरी बातें सुनाती। बातें? क्या बातें? कहती है क्या सोच के लाई हो, तुम्हारी मामा ने क्या सोच के दिलाई है, कहाँ पहन के जाओगी? जी मैं सद्दाम खान। प्लीज तशरीफ रखिए। दरअसल मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये आप हैं, हालांकि उस दिन आपसे मुलाकात भी हुई थी, लेकिन हैरत की बात ये कि मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आप क्यों आए थे। नहीं कोई बात नहीं, इसका एक वक्त मुकर्रर होता है और फिर उस काम को उस वक्त पे ही होना चाहिए। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, बहुत अफसोस की बात है कि आपकी बहन का कत्ल हुआ। मुझे बहुत दुख है अपनी जवान बहन की मौत का। आपको यकीन है कि ये कत्ल फैसल ने किया है? मेरी फैसल से क्या दुश्मनी है, मैं फैसल पर इल्जाम क्यों लगाऊं? हालात वाकयात और तमाम सबूत फैसल को कत्ल जाहिर कर रहे हैं, ऐसी सूरत में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आप अगर मेरी जगह होती तो क्या करती? देखिए अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं तमाम एस्पेक्ट्स पे गौर करती कि क्या सूरत हाल है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और अगर
उसके बाद भी कातिल फैसर ही होता तो फिर शायद मैं वही करती जो आप कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को जानती हूँ कि ये फैसल ने नहीं किया है। मैं उसे बहुत अरसे से जानती हूँ। और वो काफी कितना टाइम है? देखें, किसी को समझने के लिए वक्त का दौरानिया काफी नहीं होता, उसको कितना समझते हैं ये मैटर करता है। काफी दफा आप इंसान को बहुत अरसे से जानते हैं लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते, या फिर आप उनके मुताले कोई राय नहीं दे सकते। क्या आप इस पोजीशन में हैं कि अपनी राय दे सकें? देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि फैसल बहुत मासूम इंसान है, वो ऐसा कभी कुछ कर नहीं सकता। और इतना बड़ा कदम उठाने के लिए उसके पास कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। वजह है लेकिन शायद आपको बताई नहीं गई। क्या वजह है? वजह यह है कि फैसल शानजे से शादी करना चाहता था और उसे बहुत फोर्स कर रहा था, लेकिन शानजे अपने मंगेतर के पास जाना चाहती थी। ऐसी सूरत में मर्द के पास सिर्फ एक ही चीज बाकी रह जाती है जिससे वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। सद्दाम साहब, हर मर्द एक ही तरह से नहीं सोचता। फैसल ऐसा नहीं है, ये बात मैं जानती हूँ। खैर, हाँ बताएं, आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी? कुछ नहीं, पता कि पानी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो कुछ आप मुझसे करवाना चाह रही हैं वो मैं करूंगा नहीं, तो फिर ये बेतकल्लुफी क्यों हो? इसका मतलब है कि आप बहुत ही ज्यादा रिजिड हैं। मेरा ख्याल में होना भी चाहिए, जो लोग बहुत नर्म मिजाज होते हैं फिर लोग उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस डर से रिजिड बन गए हैं कि आपको लोग इस्तेमाल ना करें? मेरा मिजाज ही ऐसा है और शुरू से ऐसा। वैसे आप मेरे फादर को तो जानते हैं ना? जी, मैं जानता हूँ। मैं आपके घर एक दो पार्टीज में आया हूँ, जाहिर है कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया होगा। तो क्या मुझे बाबा से सिफारिश करवानी पड़ेगी? नहीं, मेरे लिए यही काफी है कि आप उनकी बेटी हैं। तो प्लीज मेरी बात का एतबार कर लें, फैसल कातिल नहीं है। आप प्लीज उसे रिहा करवाइए। जो भी कातिल है हम सब मिलकर ढूंढेंगे उसे। आपको लगता है कि मैं बातों से बहलने वाला हूँ? तो फिर आप जिस तरह से मानेंगे आप प्लीज मुझे वो बता दें तरीका, मैं आपको उस तरह से मनाने की कोशिश कर लूंगी। कोई जवाब नहीं दिया आपने मुझे। आप क्या चाहती हैं? माफ कर दो बहन के कातिल को? मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैंने कब कहा ये आपसे? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो असली कातिल है उसे सजा दिलवाइए प्लीज। वो तो फैसल है। कितनी दफा मैं आपको कह चुकी हूँ, कितनी दफा, कि वो नहीं है कातिल। आप बजिद हैं जबकि मैं ये साबित कर चुका हूँ कि वो कातिल है, तब आप बताइए कि इस खला को कैसे पूर किया जाए। अरे अगर आप चाहें तो ये खला कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक स्टेटमेंट देनी है आपको जाके कोर्ट में। तो आप क्या चाहती हैं, मैं अपने खिलाफ स्टेटमेंट दे दूं? मैं तो सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि सच कह दें। इतना अजीज है आपको फैसल? मासूम है वो बेचारा, उसके दोस्त भी सही हैं। वो तो बेचारे लियारी में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं और मैं उनकी सिर्फ मदद कर रही हूँ एक अच्छी नीयत के साथ। इसमें क्या बुराई है? इस जमाने में तो लोग ऐसा करते भी नहीं है। वो आपके क्लब के लिए खेलता है। वाओ, तो आपको ये भी पता है? मैं दोस्त और दुश्मन दोनों के बारे में पूरी मालूमात रखता हूँ। तो फिर आप ये धोखा कैसे खा गए कि फैसल कातिल है? धोखा मैंने खाया नहीं, लेकिन अब आप मुझे मजबूर कर रही हैं। कि मैं आपको मजबूर नहीं कर रही हूँ सद्दाम साहब, मैं आपको सिर्फ एक बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। और आपको वाकई अगर लगता है कि मैं आपको मजबूर कर रही हूँ तो आप अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू जी।
तुम रो रही हो? नहीं कुछ नहीं। तुम रो रही हो और बोल रही हो कुछ नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस रेदा ने आकर मुझे बहुत बहुत बुरी बातें सुनाती। बातें? क्या बातें? कहती है क्या सोच के लाई हो तुम्हारी मामा ने, क्या सोच के दिलाई है, कहाँ पहन के जाओगी? कोई बात नहीं, ये उसका रवैया, उसकी सोच है। लेकिन उसका रवैया बहुत बुरा था। देखो उरुज, ही मेरा दिल था कि मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊं। तुमने तो मेरे कहने पे शॉपिंग की है ना, और उसे शायद यही बुरा लगा, इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया। देखो हर किसी का अपना गुस्सा करने का अंदाज होता है, हो सकता है रिदा भी उनमें से एक हो। तुम क्यों दुखी हो रही हो? देखो जिंदगी में खुश रहना चाहती हो ना, तो लोगों के रवैये को इग्नोर करना सीखो। अरे ये जब डॉक्टर नहीं हमारा साथ आ जाएगा ना, अरे हम बिल्कुल बदल जाएंगा। हाँ दादा ये बात तो है। अरे जो अपना सेठ नहीं है, अरे वो भी बड़ा आशिक मिजाज है, अरे उसको उस लड़की पे दिल आ गया। कौन सा? वो मैडम जो उसके साथ होता था? अगर वो नहीं मानता है तो फिर कल कोर्ट चले जाएंगे। एटलीस्ट कम से कम वो फैसल को बेल तो दिलवा दे। उसके घर वाले बुजुर्ग हैं बेचारे, कितना परेशान हो रहे हैं, किस तरह से। कम से कम बाहर तो आ जाए ना। हाँ मैडम, हम लोग भी परेशान ही हैं। ठीक है फिर सुबह ही बात होती है, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। यही तो मैं सोच रही हूँ। देखें अगर इस तरह वो मेरे और उरुज के रिश्ते पे सवाल उठाएंगी, कहीं दूर ना हो जाए मुझसे हमेशा के लिए। इवन कि उन्हें मम्मा कहने पर भी एतराज़ है। उरुज को? नहीं रिदा को। उरुज ने जब बताया कि मम्मा के साथ गई थी शॉपिंग पे, तो कहने लगी ओ शॉपिंग करवा दी तो मम्मा कह रही हो। रिश्ता तो सबका एक ही होता है ना, सौतेली माँ वाला, बस थोड़ा सा रवैये का फर्क होता है, जिसको जितना मौका मिले। लेकिन यार तुम कुछ भी कहो, मुझे ये खातून बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब इनकी बातों में, एटीट्यूड में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मान लें तो। आप इतना फोर्स क्यों कर रही हैं मुझे? ठीक है सदाम साहब, फिर मैं काम करती हूँ, मैं एक लॉयर हायर कर लेती हूँ। और कोर्ट चली जाती है? बस हम सामने आमने बैठ के एक दूसरे से लड़े होंगे और यही होगा। बेहतर नहीं है कि हम बैठ के तमाम मामलात को तय कर लें? हम बोल लिया था लेकिन फिर हमको याद आया तुम्हारा तो सिलेक्शन है फुटबॉल के लिए। हाँ यार मगर। अरे मगर मगर कुछ नहीं, हमको पता है तुम फैसल के लिए परेशान है, लेकिन फैसल भी परेशान होगा अगर तुमने ये चांस मिस कर दिया ना, या तुम नहीं गया सही से परफॉर्म नहीं किया तो। अम्मा नादर भाई का तो तुमको पता है, हर किसी से तो वो लड़ता झगड़ता है, तभी तो उसका किसी से बनता बनता नहीं है। अब अगर हम दोनों भी उसकी बात सुनेगा ना तो पूरा लियारी में हम दोनों अकेला रह जाएगा। वैसे भी उसका वजह से कोई मिलता जुलता भी नहीं है हमसे। बात तो ठीक कर रहे तुम, हम भी यही सोचे है, अभी लोगों से मिलेगा जुलेगा, तुम्हारा शादी भी तो करना है। हाँ मैडम, हम वो कोर्ट की तरफ निकल रहा था तो हमने सोचा आपको बता दे। आप वो वकील से बात कर लो ना थोड़ा। नहीं नहीं अभी आप कोर्ट ना जाएं। सद्दाम साहब मेरे पास आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई है। हो सकता है हमारा काम हो जाए तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़े। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं। मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, लियारी से किवाड़ी, लियारी से किवाड़ी, दुनिया से घबराना क्या, मैं
भाप दिया।